जैसा भी आया हो पर वो उन्होंने तैयार कर दिया। निवाड़ी को लेकर हमारे यहाँ रामनारायण उपाध्याय जी ने बहुत सारा काम करके और उसको पहुंचाया, लेकिन मैंने जब कपिल तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वाणी कोई भाषा नहीं है यार, वो निवाड़ी से तुम लोग फालतू में ये सब करो। बिल्कुल मैं कह साहब ये हम ये वाणी तुम फालतू बात कर रहे हो, ये तो वो निवाड़ी से है। बोले वो थोड़ा सा तुम लोगों ने उसको बने बुजुर्ग कुछ भी करके याद कर, तो इस पर विचार करने की जरूरत है कि हरदा के इस केंद्र से इस जिला मुख्यालय से क्या वाणी के अस्तित्व को लेकर और उसको 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 अकादमिक व्यक्तित्व देने के लिए क्या हम यहाँ से कोई पहल कर सकते हैं क्या, खासतौर से इस समय जबकि हमारे सामने धर्मेंद्र पारे जैसा एक विद्वान व्यक्ति मौजूद है उसकी उपस्थिति का लाभ लेते हैं, ये इस पर हमको आज विचार करने की जरूरत है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर मैंने आपको आपसे चर्चा की और बहुत लंबी चर्चा मैं करना चाहता हूँ, पर मुश्किल मेरे सामने ये है कि मेरे सामने प्रोफेसर अग्रवाल जैसे और रघुवंशी जैसे मित्र जो जिनको मैं सुन रहा मेरे फोन पर रघुवंशी से बारे में आपको सुनने आ रहा हूँ, अलबत्ता मैं आपको इसका लोभ समरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा अंश, क्योंकि अभी जो चर्चा हो रही थी ना धर्मेंद्र के बारे में उसमें ये बताया जा रहा था कि भाई वो इतिहासकार हैं कि रचनाकार हैं कि साहित्यकार हैं कि ज्ञान सोमन का कि वो तो ऐसा बोलते हैं कि उनका देखना घूरने जैसा है, तो इस पूरी इसको मैं एक पेज में व्यक्त करता हूँ, उसमें आपको इस किताब की सूक्ष्मताओं का पता चलेगा कि असल में ये किताब क्या है। लंबा वक्तव्य मैं 5-6 पेज का मैं नहीं पढ़ूंगा, वादा करता हूं। मैं यहां से तो यहां से कोई नहीं उठेगा आप नहीं नहीं कि पेज पढ़ूंगा। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे की शोध भक्ति तथा आंचलिकता के प्रति अगाध अनुभक्ति से मैं वर्षों से वाकिफ हूं, लगभग 20 वर्षों से उनकी घुमक्कड़ी का भी दबाव हूं। आरंभ में मैंने उनकी कुछ कहानियां पढ़ी थी, अब देखिए गौर करने लगा, उम्र में बड़ा होने के कारण उन्होंने अपने प्रारंभिक दौर में लिखी कुछ कहानियां मुझे दिखाई। मुझे ठीक याद है उन कहानियों में घटनाओं पर जोर नहीं दिया गया था, मूलतः वे कहानियां स्थितियों और पात्रों के अंदर विरोधों और मनस्थितियों पर केंद्रित थी। संक्षिप्त में कहें तो डॉक्टर पारे उन कहानियों में कदाचित ज्ञानेश गौर करें संक्षिप्त में कहें तो डॉक्टर पारे उन कहानियों में कदाचित एक अप्रकट और अनुपस्थित तत्व को खोज रहे हैं और इसी खोज की परिणति में कहानी बनती चलेगी। डॉक्टर पारे के रचनाकर्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि जो दिखाई दे रहा है अथवा उपलब्ध है वो उनके काम का नहीं है, बल्कि जो अनदेखा और अनुपस्थित तरफ उनकी नजर ज्यादा दौड़ती है। उनको जो दिखाई दे रहा है उससे मतलब नहीं है, जो वहां से गायब है उसको लेकर ये इस तरह की मनस्थिति का व्यक्ति एक साहित्यकार की अपेक्षा एक अन्वेषक के तौर पर ज्यादा समादर होगा। धर्मेंद्र पारे की शोध वृत्ति के पीछे वस्तुतः किसी अन्वेषक की कार्य गुजारियां हैं। यहां पर मुझे उनकी कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। दो कविताएं, एक कविता है सबसे सुंदर मछली का तैरना हमने नहीं देखा। ये आदमी हमेशा जो नहीं देखा है उसी को देखने की कोशिश करता है। ये कविता इस किताब में नहीं है, ये उनकी किसी दूसरी किताब में है। पर आप देखिए, सबसे सुंदर मछली का तैरना हमने नहीं देखा, सबसे सुंदर मछली हमने नहीं देखी, हमने चिड़ियों का मैथुन देखा, चिड़ियों का प्रणय नहीं देखा। एक दूसरी कविता, यह कविता इस समय के बारे में है, यह समय इस कविता से भी पार जाएगा, यह कविता इस इतिहास के आखिरी द्वार पर टंगी होगी। ये दो कविता उल्लेख है कि कविता के उपरोक्त अंशों में सत्य और समय की मीमांसा है। समय और सच दोनों ही अनुभूति परक तत्व हैं। और यह भी गौर करने लायक बात है कि अन्वेषक की आकांक्षा रखने वाले लोग प्राय समय की तलाश करते हैं या फिर सच। मित्रों, ये लंबा आलेख है 5-6 पृष्ठ का, ये कहीं प्रकाशित होगा, आप पढ़ लीजिए। मुझे जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। समय रहते जो कविता संग्रह है
और जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां जहां से ये कविताएं कोट की गई दोनों अलग अलग संग्रहों से आती हैं, 20वीं तारीख के आसपास उसका राग क्यों है, धर्मेंद्र की उस समय की किताब है जिस समय में लोग कविता लिखा करते हैं, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तब की है, लेकिन इसके बाद का जो धर्मेंद्र पाले है वो प्रौढ़ से प्रौढ़तर होता गया समझ के स्तर पर, उस सूक्ष्म को शायद खोजने की, जैसा कि विजय कैलाश मंडलेकर ने कहा कि उसको देखने की उनकी कोशिश है जो दिखाई नहीं देता, जो सारे चेतन और मूर्त के पीछे हुआ छिपा हुआ जो मूर्त है उसको देखने की कोशिश है, और ये भी किसी व्यक्ति को गहरा देवता बनाती है। अब हम आयोजन के मुख्य अतिथि यहाँ बैठी हुई सारे लोगों की मैं नहीं कहता, लेकिन आयोजकों के लगभग अगर भैया लोकेश अग्रवाल को आमंत्रित कर रहा हूँ बिना किसी परिचय बिना किसी भूमिका के, जरूरत खुद करेगी काम अपना, उनको सुनना एक बहुत गंभीरता की बात करता है। पीछे अगर राजेंद्र मामा बैठे हों तो उन्होंने मुझसे 15 दिन पहले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रघुवंशी जी प्रसिद्ध जी शहर के बहुत जागरूक श्रोतागण और उनसे ज्यादा जागरूक पाठक जिन्होंने यहाँ पर ऐसी सुंदर व्याख्या ग्रंथ के बारे में की कि मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अभिभूत ही नहीं स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए आज मैं इस बात का साक्षी हूँ कि डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे अपने मातृभूमि के ऋण से मुक्त हो गए, पांडे साहब आज अपने मातृभूमि के ऋण से मुक्त हो गए। उनका ये जो शरीर है वो बना कहाँ से, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धूप, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, उसी की तो वो रचना है, और उस रचना का ऋण उनको कभी ना कभी तो चुकाना था और उन्होंने चुका दिया इस ग्रंथ को लिखकर। ऐसा मेरा ख्याल है कि हरदा के इस गौरवशाली इतिहास को लिखने का उनका ये प्रयास युग युग तक वर्षों तक याद किया जाएगा। आज से 5 साल पहले ऐसी शाम के वक्त में ये मेरे इंदौर निवास पर आए और बोले कि दादा, दादा जी बोलते हैं कि आपका शोध ग्रंथ जो कि होशंगाबाद और पूर्व निवाड़ जिले पर है ये मुझे चाहिए, मुझे पढ़ना है। मुझे लगा कि 1 महीने के लिए गया मेरा ग्रंथ, अब 1 महीने बाद लौटेगा, मैं यहाँ कहीं होटल में ठहरा हुआ हूँ, आपके ग्रंथ को पढ़ना चाहता हूँ। मैंने दिया उनको और उत्साहित होकर कि इसको पढ़ेंगे और हरदा के मेले आगे बढ़ाएंगे। रातें 8 बजे ये पुणे मेरे घर आ गए 9 बजे और मुझसे बोले कि ये आपका ग्रंथ, मुझे लगा कि ये क्यों का क्यों लौटा रहे हैं। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि रात भर उस होटल में रुककर इन्होंने पूरे मेरे ग्रंथ को पढ़ा और उस समय कोई फोटोकॉपी नहीं कराई और पूरे नोट्स लिए और अपने काम को भी, इतनी इनकी चैतन्यता, इनके काम के प्रति समर्पण और इनके मन की अभिलाषा को देखकर मैं उस समय भी अभिभूत था और मुझे लगा कि एक महान ग्रंथ की रचना की ओर अब पाले जी अग्रसर हो चुके। हमारा आजादी का एक शानदार इतिहास रहा है, एक ऐसा इतिहास जिस पर आज हम गर्व कर सकते। ये जो आजादी हमें मिली इसके बारे में डॉक्टर पाले ने लिखा है, कोई तोरण दौर से सचकर हमको नहीं मिली कि अंग्रेज आए और 14 अगस्त 1947 को घंटाघर के नीचे कोई बड़ी सभा आयोजित की, चंपालाल जी सोकल, महेंद्र जी मिश्र या और बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स को तस्करी में रखकर उन्होंने आजादी दे दी, जाओ आजाद हो और आजादी का लुत्फ उठाओ। क्या ऐसे आजादी मिली हमें? तोरण दौर से मिली, मगल धनी के अंदर मिली, कि हमको आजादी के लिए अंग्रेजों की उस भेंट के ऊपर सदियों फक्र होता रहेगा? उस सर्व बलिदान की एक अंतहीन पंक्ति है, इसने राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को होम कर दिया। न जाने कितने लोग थे जिनकी फहरिस्त इन्होंने हमें दी है, उन्होंने देश के लिए लाठियां खाई, जेल की यात्राएं की और ऐसे ऐसे काम किए जिनके लिए आज हम गर्व कर सकते हैं। हमारा अतीत उनको लेकर बहुत स्वाभाविक, आजादी जिस रूप में मिली है उसका महत्व कब समझ में आएगा?
ये जो नई पीढ़ी बैठी है, डॉक्टर पारी के विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ यंगस्टर्स बैठे हैं, कुछ नए लोग बैठे हैं, इन्होंने तो आजादी के लिए उत्सव को बलिदान नहीं देखा, इन्होंने कोई सत्याग्रह नहीं देखा, इन्हें तो नहीं देखा कि हरदा की शराब की दुकानों के सामने कैसे पिकेटिंग होती है, इन्होंने नहीं देखा कैसे लाठीचार्ज हुआ, कैसे लोग वर्षों के लिए जेल भेज दिए गए। इनको तो लगा 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई, हम आजाद भारत। जब तक उस इतिहास से इनको वाकिफ नहीं किया जाएगा तब तक वो आजादी का महत्व नहीं ले सकते। बहुत जरूरी है इस पीढ़ी को इतिहास से वाकिफ कराया जाए, उस इतिहास को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए। मैं तो बड़ा अभिभूत हूँ महंगी जी के उस प्रोग्राम से जो अभी उन्होंने कहा था, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है और उन्होंने बहुत बढ़िया बात की कि हमारे बच्चों को इस इतिहास से हमें अवगत कराना ही होगा, हमें बताना होगा कि कौन लोग हमारे बीच में थे और उन लोगों ने इस देश के, इस अंचल के, इस प्रदेश के, इस शहर के, इस जिले के और इस पूरी भूमि के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अविस्मरणीय भूमिका निभाई। कौन करेगा? धर्मेंद्र जी ने किया और भी लोगों ने किया, हमने सब कुछ लिखा, हमने माइक्रो स्टडी की, आंचलिक लिखा, हमें तो इस यात्रा को आगे ही बढ़ाना है। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को बताना पड़ेगा, उनसे उनके अतीत का परिचय कराना पड़ेगा। हमारा इतिहास एक ऐसा इतिहास है, ऐसा शौर्य और ऐसा मतवालापन क्या किसी और देश के इतिहास में मिलेगा? क्या ऐसे उत्सव बलिदान की कहानियां कहीं और देखने को मिलेगी? क्या हमारे यहाँ जो नौजवानों ने, मैं हो सकता है एक तो संस्मरण आपको सुनाऊं, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को होम कर दिया। कल ही एक बहुत बड़ा दिन था, कल सरदार भगत सिंह का आत्मबलिदान का दिन था, कल ही उन तीनों को फांसी दी गई, 23 मार्च को लाहौर के अंदर उनको फांसी दी गई थी। याद है क्या? नई पीढ़ी को नहीं मालूम कि 23 मार्च कब आता है और 23 मार्च कब गुजर जाता है। उनको मालूम पड़ेगा कि भगत सिंह ऐसा था 10 वर्ष की उम्र के अंदर, शायद पिछली बार में मैंने इस संस्मरण बताया था किसी एक कार्यक्रम से, भगत सिंह 10 वर्ष के थे। तब वो एक बार अपने पिता के साथ खेत के ऊपर घूमने गए, पिताजी के खेत के साथ में गए। जब खेत में वो घूमने लगे तो पिताजी की बंदूक उन्होंने अपने हाथ में ले ली और खेलने लगे। जब वो लौटने लगे अंधेरा हो गया, पिता ने कहा कि भगत चलो लौट चलो। जब वो लौटने लगे तो पिताजी का बेटे वो बंदूक कहाँ है? भगत सिंह ने क्या कहा? 10 वर्ष का भगत सिंह कहता, पापा जी मैंने तो बंदूक जमीन में गाड़ दी। बंदूक जमीन में गाड़ दी? क्यों गाड़ दी? 10 वर्ष का भगत सिंह कहता है कि पापा जी मैंने बंदूक जमीन में इसलिए गाड़ दी कि उस बंदूक की गाड़ी हुई बंदूक का पेड़ उगेगा, उस पेड़ के ऊपर बंदूकें लगेंगी, उन बंदूकों को तोड़ तोड़ कर हम अंग्रेजों को देश से बाहर कर देंगे। पेड़ उगता है, बंदूकें लगती है, पर 10 वर्ष के भगत सिंह में जो जुनून था, जो जज्बा था, उससे आपको परिचय कराना चाहता हूं। जिस देश में 10 वर्ष का भगत सिंह बंदूक का पेड़ पैदा कर सकता है, वो देश मित्रों कभी गुलाम नहीं रहेगा, वो आजाद होगा, जरूर आजाद होगा। पर ये कहानी, ये बात हमारी इस नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगी? धर्मेंद्र तो पहुंचाएंगे उसको, ऐसे ही लोग पहुंचाएंगे जो अपने इतिहास को लिखकर अपने विद्यार्थियों को बताएंगे कि ये आजादी जो तुमको मिली है, ये आजादी कोई पुष्प वाटिका का रास्ता नहीं था, ये कोई तोड़ तोड़ का रास्ता नहीं था, ये मगन धोनी का रास्ता नहीं था जहां पर तस्वीर में आपको परोस कर आजादी दे दी गई। उसके लिए एक अंतहीन पंक्ति थी उसको बलिदान की, जिन्होंने देश के लिए एक 16 वर्ष का एक नौजवान जिसका नाम ये नई पीढ़ी के लोग शायद जानते हो, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, 16 वर्ष की उम्र के अंदर फांसी के तख्त पर झुला दिया गया। उसका छोटा सा हिस्सा, शायद आप लौट कर बच्चों से इस बात को शेयर करें, फांसी की सजा दी गई। आप जानते हैं जिस दिन फांसी की सजा दी गई और जब फांसी दी गई उन कुछ महीनों के बीच उस 16 वर्ष के बच्चे का वजन 8 पाउंड बढ़ चुका था, वजन बढ़ गया था, कम नहीं हुआ था। जब अंतिम दिन फांसी दी जा रही थी उसका मैं सचिन प्रबंधन आरोप कर रहा जब कर सकते हैं 10 वर्ष का, वो कहता है कि डॉक्टर आप अंग्रेज इस बात को नहीं समझेंगे, मैंने कसरत करने की बात क्यों की? क्योंकि मैं कसरत करके परमपिता परमेश्वर से ये मांगना चाहता था कि मुझे इतना ही बलिष्ठ शरीर पुनः दो और मैं आप अंग्रेजों को निकाल निकाल के शरीर मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना बल शरीर मिलता है, वो 10 वर्ष का 16 वर्ष का बालक नहीं जानता था। पर वही
उसके जज्बे से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश का यूथ, इस देश का युवा, इस देश की तरुणाई, यदि इस देश की तरुणाई इस देश के लिए आजादी के लिए संकल्पित हो जाए, ऐसे ग्रंथ पढ़कर, ऐसी आजादी की कहानी पढ़कर, ऐसा इतिहास पढ़कर, मित्रों मैं नहीं सोचता कि हम कभी फिर गुलाम बनाए जा सकेंगे। हमारी आजादी अक्षुण रहे। सुभाष बाबू ने आजादी के दिनों में कहा था, अभी नाम लिया सुभाष बाबू ने, उन्होंने कहा था कि जिस देश की तरणाई सो जाती है उस देश का भाग भी सो जाता है। बड़ा मुझे मौका मिला, शायद आज मेरे घर पर ये बता रहे थे कि हमको दिल्ली के अंदर 3 संस्थानों में दोनों को काम करने का मौका मिला। शायद इस आंचल से पहली बार मैं गया नेशनल आर्काइव्स के अंदर, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के अंदर और एक और जगह आप गए सर, और मेरे बाद यही रहे और इनके बाद कोई नहीं गया। हम दोनों ने वहां काफी सामग्री इकट्ठी की, तो सामग्री के अंदर एक मेरे को ऑडियो कैसेट मिला, वीडियो तो चलता नहीं था, उसमें रिकॉर्ड मिला और वो किसका था आपको जानकर बड़ा अजीब लगे, सुभाष बाबू की आवाज के अंदर एक टेप रिकॉर्ड मिला नेहरू त्रिमूर्ति लाइब्रेरी के अंदर, और उसमें उनका भाषण था। भारत से भागकर वो जर्मनी की तरफ किसी चले जगह चले गए थे और एक अनजान फ्रिक्वेंसी से उनका भाषण आता था, हिंदी बांग्ला और अंग्रेजी मिश्रित उनकी भाषा के आपके आपको आंदोलित कर देते। भाषण के अंदर था स्टार्टिंग, मेरे देश की बहनों और भाइयों, क्या तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, अरे तुम्हारी माँ जंजीरों से जकड़ी है और तुम सो रहे हो, उठो जागो और अपनी माँ को जंजीरों से। उस एक वाक्य ने पूरे देश के अंदर आग लगा दी, सैकड़ों लड़की ही नहीं हजारों युवतियां लड़कियां आजाद इन फोर्स के अंदर शामिल हुई और उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और आपको मालूम होगा कि हम उत्तरी इलाके के अंदर अंग्रेजों को छक्के वो जो आजाद इन फोर्स छक्का छक्की, ऐसा नेतृत्व ऐसी लीडरशिप हमारे को जो मिलती है इतिहास के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी ने तो अपना जो लेखन किया, बहुत श्रद्धा से बात कह रहा हूँ, मैं हिंदी का प्रोफेसर इतिहास जब लिखता है तो बड़े विचित्र संयोग आते हैं। हिंदी इतिहास में जब धरती है तो अलंकार तो आते हैं, व्याकरण तो आता है, अभी बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या लेखक जी ने, पर एक बात है कि धर्मेंद्र जी ने जो सबसे बड़ी बात की है वो ये की है कि आम आदमी पर केंद्रित उन्होंने इतिहास लिखा। उनकी किताब के अंदर जब मैं लच्छू कप्तान का चित्र साइकिल पर देखता हूँ तो अभिभूत हो जाता हूँ। बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े सांसद विधायक के चित्र तो हर लेखक लिखता देता है, पर लच्छू कप्तान को साइकिल चलाते हुए उस ग्रंथ में यदि किसी ने दिखा सकता है वो और जो आंदोलन जन आंदोलन बनाकर प्रस्तुत किया जाए, जो आम आदमी पर केंद्रित हो, वो सही मुखर होकर हमारे सामने आता है, वही तो सच्ची सच्ची तस्वीर पैदा करता है। हम अब ऐसे लेखक को चल रहे हैं कि जो बहुत बड़ी जगहों पर केंद्रित होते जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि उनकी परंपरा को, ये नई पीढ़ी, उनके बहुत से प्रतिभावान विद्यार्थियां बैठे हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। यह कुछ अच्छी बहस भी शुरू हुई है, एक बहस को बहुत अच्छी यहाँ पर शुरू हुई, मल्लिक जी ने बहुत अच्छा वाक्य कहा, जी ने भी वो शुरू में कही थी, इतिहास लिखना उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, इतिहास बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इतिहास बनाना है, हम इतिहास लेखन का काम कर रहे हैं